सरकार ने दी प्रदेश के सभी आम जनता को खुशखबरी। जी हां, राशन कार्ड धारकों को जानकर मिलेगी बड़ी राहत। दरअसल भारत सरकार ने राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी राहत दी है। इसमें मोदी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने का आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले इसको लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 था, मगर अब इसको सरकार ने बढ़ा दिया है। यानी कि अब आपके पास आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराने के लिए बहुत समय है। इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खुशखबरी दे दें कि अब आप इसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन प्रक्रिया से भी कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे इस काम को किया जा सकता है। तो इन सभी की डिटेल, यानी कि कितने दिनों के लिए तारीख बढ़ाया गया और मोबाइल से ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, इन सभी की डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 था, मगर अब इसको सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि आपके पास में अब राशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है। इस बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अब राशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। सरकार ने एक से ज्यादा राशन कार्ड रखने वालों पर रोक लगाने के लिए इसको लिंक करने की सुविधा शुरू की है। बता दें कि जब आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा तो इससे धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। और अब बात करें कि इसे मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करें, तो सबसे फर्स्ट आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने आधार को अपने वर्तमान कार्ड से जोड़ने का विकल्प चुनना होगा। फिर अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल फोन के नंबर उसी क्रम में डालने होंगे। फिर कंटिन्यू सबमिट का विकल्प दिया जाएगा, जिसे आपको चुनना होगा। फिर आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करना। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके पास SMS भी भेजा जाएगा, और इस तरीके के ऑनलाइन प्रक्रिया से भी आप घर बैठे कर सकते हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।